ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 12 मार्च को होने वाले भारत साउथ अफ्रीका के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एचपीसीए प्रशासन ने मैच की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है और विभिन्न समितियां भी तैयार की जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 12 मार्च को होने जा रहे भारत साउथ अफ्रीका के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एचपीसीए प्रशासन ने भी मैच की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। मैच के आयोजन को सफल बनाने के लिए और इसके अलग अलग विभागों के साथ एचपीसीए प्रशासन बैठकर तैयारियों में जुटा है ताकि कोई भी कमी मैच के दौरान न रहे। एचपीसीए के सचिव सुमित शर्मा ने बताया कि 12 तारीख को होने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच को लेकर एचपीसीए प्रशासन ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि एचपीसीए प्रशासन ने अलग अलग समितियों का गठन किया है और मैच के दौरान बारिश ना हो इसके लिए 7 मार्च को इंद्रू नाग देवता के दरबार में हाजिरी लगाई जाएगी और प्रार्थना याचना की जाएगी। उन्होंने बताया कि बारिश के दौरान तकनीकी रूप से निपटने के लिए एचपीसीए तैयार है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के तमाम पदाधिकारियों को भी इस मैच में आने का न्योता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि वो आते हैं तो उनके आने से यहाँ क्रिकेट को बल मिलेगा। छात्रों को टिकट में छूट मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि भविष्य में करने की जरूरत होगी तो करेंगे, वर्तमान में जो चल रहा है उसे चलने दिया जाएगा। बीसीसीआई के द्वारा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज बायलैटरल सीरीज का एक मैच जो है वो हमें 12 मार्च को आयोजन करने के लिए दिया गया है। उस मैच के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की मैनेजमेंट और सभी पदाधिकारियों ने अपनी जो अग्रिम तैयारी है वो शुरू कर दी है। उसके लिए अलग मैच के आयोजन के लिए जो हमें अलग अलग कमेटीज़ का गठन करना होता है, अपनी प्रशासन ने उन कमेटियों का गठन कर दिया है और उस कमेटियों के गठन के पश्चात वो कमेटियां अपने स्तर पे अपनी बैठकों का आयोजन कर और बेसिक रूप से जो बेसिक हमें आधारभूत ढांचा इस मैच के सफल आयोजन के लिए चाहिए उस सब के लिए वो कार्यरत लगी हुई हैं। और आज भी 2-3 बैठकों का आयोजन हुआ है और उस बैठकों की ब्रीफिंग जो है एचपीसीए पदाधिकारियों को दी गई है, उसके अनुरूप उस बैठकों का जो पूरा नक्शा रिजल्ट्स जो लेकर के वो निकले हैं उसको हम क्रियान्वयन करने में आगे काम करेंगे। पिछली बार मैच के अंदर बारिश के कारण खलल पड़ा था तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने पूर्व की भांति जिस प्रकार अनुराग सिंह ठाकुर जी के समय में यहाँ पे यहाँ के आराध्य देवता इंद्रू नाग जी हैं उनके लिए उनके उनके आराधना के लिए और उनका पूजन के लिए हमने 7 मार्च को अपना भंडारा और यज्ञ रखा है। क्योंकि किसी भी हम जिस समाज और जिस समाज से आते हैं सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं तो अपने देवी देवताओं का याचना करना हमारा परम कर्तव्य रहता है और धर्मशाला के अंदर इंद्रू नाग देवता का एक जो याचना है और उनके पास जो उनका जो वंदन है वो एक परंपरा है। उस परंपरा को हम निरंतर रूप से निभाएंगे और बढ़िया ढंग से उसको करने का प्रयास करेंगे और जो पूर्व में हमसे यदि कोई गलती हुई है उस गलती की हम क्षमा याचना भी करेंगे और चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि कुल मिलाकर के मैच होना चाहिए। मैच से जो है यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को उसका लाभ होगा, स्थानीय लोगों को लाभ होगा, कहीं ना कहीं क्रिकेट के विस्तार में भी उस चीज़ का लाभ मिलता है। तो वो सब चीज़ों को हम ठीक ढंग से करने का प्रयास करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से सफल भी होंगे। अनुराग ठाकुर जी क्योंकि कन्फ्लिक्ट अनुराग ठाकुर जी हमारे आज के समय में मैं ये कह सकता हूँ पिछले कल हमने उनको निमंत्रण दिया इस मैच के लिए। अब ये वर्तमान मैनेजमेंट जो है एचपीसी है उसका दायित्व बनता है कि 7 तारीख का जो यज्ञ है या इंद्रू नाग जी देवता का जो वंदन है जो करना है हमने वो हमें स्थानीय हम सब लोगों को करना है। जो प्रेजेंट हमारा एचपीसी का मैनेजमेंट है उसको करना है। अनुराग ठाकुर जी को हमने मैच के लिए निमंत्रण दिया है मुख्यमंत्री के साथ साथ। बीसीसीआई पदाधिकारियों को भी निमंत्रण देंगे, बीसीसीआई अध्यक्ष, बीसीसीआई उपाध्यक्ष, बीसीसीआई सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, इन सबको भी निमंत्रण देंगे कि वो भी हमारे इस बायलैटरल सीरीज के मैच में आएँ। तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को उन सबका भी यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करने का सौभाग्य मिलेगा और उनके सानिध्य में मैच होगा तो और कुछ चीज़ें होंगी किस प्रकार से इम्प्रूव करने वाली होंगी और कुछ जोड़ने का कुछ होगा तो वो सब भी जानकारी उन सबसे साझी भी होगी, वो हमारे लिए एक बड़ा उत्साहवर्धन का रहेगा।